आज आप जहां जिस पृथ्वी पर बैठे इस वीडियो का लुत्फ उठा रहे हैं, अगर मैं कहूं कि आज से तकरीबन 450 करोड़ साल पहले सूरज की तरह ही आग का गोला हुआ करती थी, तो यहां टेम्परेचर इतना ज्यादा हुआ करता था कि इंसान तो छोड़िए, यहां कोई जीव जंतु भी जीवित नहीं रह सकते थे। या फिर मैं यूं कहूं कि आज आप जिस देश में रह रहे हैं वो आज से लाखों वर्ष पहले पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। तो जब हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था तो ये एक आग का गोला हुआ करती थी, एक ऐसा गोला जहां हर दूसरे मिनट उल्का पिंड की बरसात हुआ करती थी, एक ऐसा गोला जहां लाखों सालों तक ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते थे, एक ऐसा गोला जहां गर्म लावा के समुद्र हुआ करते थे और जहां की धरती लाखों सालों तक पूरी तरह बर्फ से ढकी थी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से तकरीबन 600 से 700 करोड़ साल पहले, जब हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। तब यहां बहुत सारे गैस और धूल कण से भरे बादल हुआ करते थे और इन्हीं बादलों से काफी दूर एक तारा एग्जिस्ट किया करता था, जिसकी अंदर की एनर्जी धीरे धीरे घटती जा रही थी, घटती जा रही थी, घटती जा रही थी। और फिर एक दिन ये धमाका इतना विशाल था कि इसकी वजह से स्पेस में मौजूद धूल आपस में पास आकर कंप्रेस होने लगे और उन पर इतना प्रेशर पड़ने लगा कि वो धीरे धीरे बड़े बड़े उल्का पिंड और पत्थर का रूप लेने लगे। साथ ही उनके अंदर ग्रेविटी की उत्पत्ति होने लगी और देखते ही देखते इसके सेंटर में हाइड्रोजन और हीलियम गैस इकट्ठा होने लगे और एक बार फिर इस विस्फोट ने हमारे सौरमंडल की नींव रखी और हमारे सूरज का जन्म हुआ। उसके बाद जो उल्का पिंड स्पेस में बचे थे वो सूरज के ग्रेविटी की वजह से उसकी परिक्रमा करने लगे और उनमें आपस में भी भयंकर टकराव होने लगे, जिसके पश्चात मर्करी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा बने। पर ये तो बस शुरुआत थी, अभी भी हमारे सौरमंडल में काफी कुछ बड़ा होने वाला था। पृथ्वी के निर्माण के बाद एक दिन पृथ्वी और मार्स के बीच एग्जिस्ट करने वाला प्लैनेट थिया का पृथ्वी के साथ बहुत बड़ा कोलिशन हो गया। ये टकराव इतना ज्यादा खतरनाक था कि इससे पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा कणों के रूप में पृथ्वी के चारों ओर फैल गया और रिंग्स के आकार में पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा और इस परिक्रमा के दौरान एक बार फिर इन कणों में टकराव होना शुरू हुआ और ये पास आते गए, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी के इकलौते चांद की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था तब ये एक आग का गोला हुआ करती थी, इस पर ना आज की तरह समुद्र हुआ करते थे और ना ही आज की तरह बर्फ से घिरे हुए पहाड़। यहां बस एक ही समुद्र हुआ करता था, खौलते हुए लावा का समुद्र, जिसका तापमान यही कुछ 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास हुआ करता था। पर अच्छी बात तो यह थी कि धीरे ही सही परंतु पृथ्वी की सतह ठंडी हो रही थी और धीरे धीरे पृथ्वी पर मौजूद भारी एलिमेंट्स पृथ्वी की केंद्र की तरफ ट्रांसफर होने लगे और हल्के तत्व पृथ्वी की सतह की तरफ शिफ्ट होने लगे। पर अभी भी धरती पर उल्का पिंडों की बारिश थमी नहीं, थोड़े थोड़े समय पर यह पृथ्वी की सतह को छलनी करते रहे। पर इसमें एक पॉजिटिव बात भी थी, इन उल्का पिंडों में सॉल्ट, वाटर और मिनरल्स मौजूद होते थे और इसलिए इसकी बारिश की वजह से पृथ्वी का सतह पानी के अंदर डूबने लगा। और इससे धरती की सतह ठंडी होने लगी और यही वो समय था जब पृथ्वी पर जल के अंदर सूक्ष्म जीव जन्म लेना शुरू हुए। पर ठंडी हो चुकी धरती के सेंटर में अभी भी काफी रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद थे, इसलिए इसके अंदर अभी भी काफी गर्मी उत्पन्न हो रही थी और पृथ्वी के ऊपरी सतह के ठंडे होने के बाद तो इन पर प्रेशर और बढ़ने लगा, जिसके बाद ये पृथ्वी से बाहर आने का रास्ता ढूंढने लगे और अंततः ये ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में पृथ्वी से बाहर आने लगे। इस दौरान पृथ्वी पर कई सारे ज्वालामुखियों का जन्म हुआ। अब चूंकि ये ज्वालामुखी कई लाख साल तक आग उगलते रहे
इसलिए इसके आसपास जमीन का निर्माण होना शुरू हो गया। पर ध्यान देने वाली बात यह थी कि अभी भी पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण नहीं हुआ था। पृथ्वी पर एक स्थिर वायुमंडल की उत्पत्ति आज से तकरीबन 300 करोड़ साल पहले हुए, जब यहाँ एक पूरा दिन मात्र 12 घंटे का हुआ करता था। और इसी दौरान समुद्री जीव भी काफी विकसित हुए। अब वो पानी में मौजूद खनिज तत्व का इस्तेमाल अपने पोषण के रूप में करने लगे और मल के रूप में वो ऑक्सीजन रिलीज करते रहे। और यही वजह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही थी, और इससे धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल में काफी सुधार भी आ रहा था। पर आज से तकरीबन 100 करोड़ साल पहले पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स में अचानक दरार पड़ने लगी, जिससे पृथ्वी के कोर में मौजूद लावा कई लाख सालों तक खुले में उबलते रहे, और इस लावा ने पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ानी शुरू कर दी, जिस वजह से पृथ्वी पर पहली बार एसिड रेन की शुरुआत हुई। अब चूंकि धरती पर लगातार कई सालों तक बारिश होती रही और इससे पूरी तरह बादलों ने घेरे रखा, इसलिए काफी लंबे समय तक पृथ्वी तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाई, और इस वजह से पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई। इससे पृथ्वी के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट इतनी ज्यादा थी कि इससे पूरी पृथ्वी बर्फ के गोले में तब्दील हो गई, यानी कि पृथ्वी पर शीत युग की शुरुआत हुई। पर जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जब भी पृथ्वी ठंडी होती है, इसके अंदर मौजूद गर्म लावों पर प्रेशर बढ़ता है, इसलिए इस बार भी जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई, उसके अंदर मौजूद खौलते लावों पर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, और एक बार फिर वो ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में पृथ्वी के बाहर आने लगे, जिससे पृथ्वी पर मौजूद बर्फ पिघलना शुरू हुई। इसी बीच समुद्र के अंदर बचे हुए कुछ जीव भी पृथ्वी के वातावरण के अनुसार खुद को ढालना सीखने लगे। वहीं पृथ्वी पर हो रहे लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से एक बार फिर इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी, और नतीजन एक बार फिर धरती पर एसिड रेन की शुरुआत हुई। इस रेन ने एक बार फिर धरती पर सूर्य की रोशनी का आना बंद कर दिया, जिससे एक बार फिर पृथ्वी पूरी तरह ठंडी हो गई और ये फिर से एक बर्फ के गोले में तब्दील हो गई, जिसके पश्चात एक बार फिर धरती पर ज्वालामुखी विस्फोट होना शुरू हुआ और फिर से पृथ्वी पर मौजूद बर्फ पिघलना शुरू हुई। यानी कि यह प्रोसेस कई लाख साल तक चलता रहा। कई बार पृथ्वी पर शीत युग आया और फिर ज्वालामुखी विस्फोट से इसका अंत हुआ। अब जब ये बदलाव पृथ्वी पर हो रहा था, तब इसके साथ साथ पृथ्वी पर मौजूद जलीय जीव भी खुद में काफी बदलाव ला रहे थे। वो पृथ्वी के बदलते वातावरण के अनुसार खुद को ढालना सीख रहे थे और किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब जब एक बार फिर पृथ्वी पर ज्वालामुखी का फटना शुरू हुआ और इसके बर्फ पिघलने लगी, तो पृथ्वी पर मौजूद समुद्री पेड़ पौधे काफी तेजी से विकसित होने लगे, और उन्होंने भारी मात्रा में पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू किया, जिससे पृथ्वी का वायुमंडल ठंडा होने लगा, और साथ ही इस बार पृथ्वी पर होने वाले फ्रीक्वेंट एसिड रेन में भी काफी कमी आई, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ओजोन लेयर मोटी होने लगी। और आज से तकरीबन 47 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोसोस नामक पौधे का जन्म हुआ। इस पौधे के जन्म के बाद से ही पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगना शुरू हुए। वो धीरे धीरे पूरे पृथ्वी की सतह को कवर करने लगे, और आपको जानकर हैरानी होगी पर इस दौरान कुछ पेड़ पौधे इतने बड़े हो गए थे कि उनके सामने आज की 3 मंजिला इमारत भी छोटी लगती थी। दोस्तों, ये वही वक्त था जब समुद्र में पल रहे जीव समुद्र के बाहर आने लगे और जमीनी जानवर में परिवर्तित होने लगे, और इसके साथ साथ पृथ्वी के सारे भूभाग एक साथ हो गए थे, जिस भूभाग को आज हम सभी पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसी पैंजिया महाद्वीप पर पहली बार डायनासोर का विकास हुआ। ये वो पहली प्रजाति थे जो पेड़ पौधे खाया करते थे, और इसी वजह से हाइट में काफी ऊंचे ऊंचे हुआ करते थे। वहीं कुछ डायनासोर मांसाहारी भी हुआ करते थे, और इसलिए उनकी हाइट एक शाकाहारी डायनासोर से छोटी हुआ थी। आज से तकरीबन 20 करोड़ साल पहले पैंजिया महाद्वीप पहली बार टूटना शुरू हुआ और पृथ्वी की ज्यादातर ऊपरी जमीन पानी के कॉन्टैक्ट में आने लगी, और इससे पृथ्वी पर पेड़ पौधे काफी मात्रा में बढ़े।
और इसलिए परिणाम स्वरूप काफी अलग अलग प्रकार के डायनासोर्स धरती पर विकसित होना शुरू हुए और इस तरह उन्होंने आने वाले 20 से 30 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पृथ्वी की पूरी दिशा ही बदल दी। आज से लगभग 650 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट के साइज जितना बड़ा उनका पिंड 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही यह पृथ्वी के वायुमंडल में घुसा ये एक आग के गोले में कन्वर्ट हो गया और सीधे पृथ्वी की सतह से जाकर टकराया। वैज्ञानिकों की माने तो इस विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम के फटने से निकलने वाली ऊर्जा के बराबर थी। इस उल्कापिंड के गिरने से पृथ्वी पर प्रलय जैसे हालात बन गए। पूरी पृथ्वी धूल भरी आंधी के चपेट में आ गई। समुद्र में तूफान आने लगा और इसकी चपेट में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे आए वो जलकर राख हो गए, उनका नामोनिशान मिट गया। हम ऐसा कह सकते हैं कि इस विस्फोट के कुछ ही घंटों के अंदर पृथ्वी एक नरक में तब्दील हो चुकी थी जहां हर ओर बस तबाही ही तबाही नजर आ रही थी। पृथ्वी का पूरा वायुमंडल हानिकारक गैसों से भर चुका था। ये इतना जहरीला हो चुका था कि कोई जीव इसमें एक पल भी जीवित नहीं रह पाया। इस पूरे डिजास्टर में डायनासोर्स के 20 करोड़ साल के शासन का अंत कर दिया। पृथ्वी पर अपनी प्रजाति का अस्तित्व बचाने के लिए उनमें से एक डायनासोर तक जीवित नहीं बच पाया। बस जमीन के अंदर रहने वाले जीव ही इस त्रासदी में खुद को जीवित रख पाए। इस प्रलय के बाद एक बार फिर पृथ्वी के वातावरण में काफी बदलाव देखने को मिला। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने की वजह से एक बार फिर पृथ्वी पर एसिड रेन की शुरुआत हुई और कई हजार साल तक धरती पर धूप नहीं आने की वजह से पृथ्वी फिर बर्फ की चादर में ढक गई। पर 80-90 हजार साल बाद ही पिघलनी शुरू हो गई। एक बार फिर धरती पर पहले जैसे वातावरण होने लगा और इसलिए जमीन के नीचे पल रहे ये जीव जमीन से बाहर निकलना शुरू हुए और इसी बीच ये बंदरों में परिवर्तित हुए। इसके बाद उनमें लगातार एवोल्यूशन होता रहा। वो 4 पैर से 2 पैर पर चलना शुरू हुए। उन्होंने भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना शुरू किया और देखते देखते ही ये आदि मानव में तब्दील हो गए, जिसके बाद उन्होंने आग की खोज की। वो एक समाज में रहना सीखने लगे। उन्होंने अपनी एक भाषा बनाई, धर्म की स्थापना की और आज 450 करोड़ साल बाद इस धरती के सबसे विकसित प्रजाति के रूप में धरती पर शासन कर रहे हैं। आज से तकरीबन 450 करोड़ साल पहले जब हमारी पृथ्वी आग का गोला हुआ करती थी तब यहां पर काफी ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट और उल्का पिंडों की बरसात हो रही थी। और तो और पृथ्वी के वातावरण में भी इस समय पर मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड ही हुआ करता था। इसी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट ने उस समय पर पृथ्वी पर पानी के अंदर जीवन की उत्पत्ति भी की। यानी कि आज जो धरती पर जीवन मौजूद है उनके पीछे उल्का पिंडों और ज्वालामुखी विस्फोट का एक बहुत बड़ा योगदान है। वैज्ञानिकों की माने तो धरती पर जिस प्रोसेस से जीवन की उत्पत्ति हुई उसे एबियोजेनेसिस या फिर केमिकल एवोल्यूशन कहा जाता है। हालांकि इसके एग्जैक्ट डिटेल्स के बारे में तो उन्हें इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बारे में कई सारे हाइपोथेसिस दुनिया के सामने रखे हैं, जिसमें जो हाइपोथेसिस सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है वो ये है कि जो एमिनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स तथा और भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे लाइफ के इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स का निर्माण धरती पर उत्पन्न हुआ वो एक विशेष परिस्थिति के कारण हुआ था, जिसके बाद इन सब्सटेंसेस ने आपस में कंबाइन होकर एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण किया था और इसी के एवोल्यूशन के फलस्वरूप एक पहले प्रोटोसेल का जन्म हुआ था। प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, आर्के बैक्टीरिया एंड साइनो बैक्टीरिया। धरती पर प्रोटोसेल के फॉर्मेशन के बाद धीरे धीरे समुद्र के अंदर कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का विकास होना शुरू हुआ, जिसमें जो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उन्हें आर्के बैक्टीरिया का नाम दिया गया। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कठिन से कठिन परिस्थिति में सर्वाइव करने के लिए जाने जाते थे, चाहे वो गर्म कुंड हो, खारा पानी का झील हो या एक्सट्रीम टेम्परेचर हो। ये हर कंडीशन में खुद को एडजस्ट कर लेते थे और यही वजह है कि धरती पर इतने सारे वायुमंडलीय बदलाव आने के बावजूद ये धरती से विलुप्त नहीं हुए और इन्होंने धरती पर जीवन की शुरुआत की। इसके बाद आज से तकरीबन 350 करोड़ साल पहले धरती पर साइनोबैक्टीरिया नामक जीव का विकास हुआ, जिसे आज ब्लू ग्रीन एल्गे के नाम से भी जानते हैं। तो ये वो पहले जीव थे जो कि आज के प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर सकते थे।
यानी कि सूरज के किरणों और वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाने के बाद वो बाय प्रोडक्ट के रूप में एनवायरमेंट में ऑक्सीजन रिलीज कर सकते थे। और इन्हीं एल्गे या फिर यूं कह लें इन्हीं अंडरवाटर प्लांट्स की वजह से धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़नी शुरू हुई और हमारे धरती पर और भी लाइफ फॉर्म्स का आगमन शुरू हुआ। अब तक जो पौधे बस पानी के अंदर उग रहे थे, अब वो पानी के ऊपर भी उगना शुरू हुए। इसके साथ साथ अब तक जो भी जानवर पानी के अंदर रह रहे थे वो धीरे धीरे अब जमीन पर आना शुरू हुए। धरती में निर्माण हुई ओजोन लेयर और बढ़ती ऑक्सीजन की मात्रा की वजह से इन जीवों का धरती का ऊपर भी रहना पॉसिबल होने लगा। वो धीरे धीरे धरती की सतह पर आने लगे और यहाँ के परिस्थिति के अनुसार एवोल्यूट होने लगे। सिंगल सेल से शुरू हुई जीवन के इस चक्र में कई सारे मल्टी सेलुलर जीवों का जन्म होने लगा। उनके अंदर अलग अलग तरह के म्यूटेशंस होने लगे और धीरे धीरे ये जीव पूरी धरती पर फैलने लगे, जिसके बाद आज से तकरीबन 54 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी घटना हुई, जिसमें अचानक से कई लाइफ फॉर्म्स का जन्म हुआ और इसने एक ही जानवर के कई सारे प्रजाति को भी जन्म दिया। ये वो समय था जब जीवों के अंदर आंख कान जैसी डेवलप होना शुरू हो गया, जिसे आज हम द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं। और आज यही कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन की वजह से ही हम धरती पर इतनी सारी विविधताएं देख पाते हैं। तो दोस्तों, अंत में ये कहा जा सकता है कि धरती पर जीवन की शुरुआत उल्का पिंड की बरसात के बाद हुई थी, जो कि न सिर्फ अपने साथ धरती पर पानी लेकर आई थी बल्कि इसके साथ साथ वो धरती पर बहुत सारे खनिज लवण भी लेकर आए, जिसने धरती पर पहली बार पानी के अंदर जीवन की उत्पत्ति की। पहले धरती पर सेल्स का जन्म हुआ और फिर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इस धरती पर आए और फिर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म का विकास होना शुरू हुआ। तकरीबन 23 करोड़ साल पहले जब धरती पर काफी छोटे छोटे जीव रहा करते थे, तब एक बड़े विशालकाय जीव ने इस पर जन्म लिया। उसने पहले धरती को अपना घर बनाया और फिर यहां 15 से 20 करोड़ साल तक शासन किया। ये जीव जब धरती पर पधारे थे तब तो उसकी औसतन ऊंचाई 3 फीट थी, लेकिन समय के साथ साथ इनमें एवोल्यूशन होना शुरू हुआ और धीरे धीरे ये 10 से 12 फीट ऊंचे भी होने लगे। इनकी प्रजातियां ना ही सिर्फ जमीन पर बल्कि समुद्र और हवा में भी अपना शासन जमाने लगी। यूं कह लें कि आज से 23 करोड़ साल पहले इनका पूरा धरती पर वर्चस्व हुआ करता था। तो कौन थे ये जानवर? हम किस जानवर की बात कर रहे हैं? ये तो अब तक आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा। हम बात कर रहे हैं डायनासोर्स की, जो कि धरती के अब तक के सबसे विशाल जानवरों में से एक रहे हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर डायनासोर की उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए हमें समय में 90 करोड़ साल पीछे जाना होगा, जब धरती पर पहली बार मल्टी सेलुलर एनिमल्स का जन्म होना शुरू हुआ था। इस समय धरती पर आज के जैसे कोई जानवर या पौधे नहीं थे। ये धरती बिल्कुल सुनसान हुआ करती थी और यहाँ बस यूनिसेल्युलर यानी कि मात्र एक कोशिका वाले जीव ही पाए जाते थे। लेकिन कई करोड़ साल के एवोल्यूशन के बाद फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पृथ्वी पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को जन्म दिया। जानकारी के लिए आपको बता दें, अभी वर्तमान में इस धरती पर जितने भी जीव हैं उनमें से 90% से भी अधिक जीव मल्टी सेलुलर हैं। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ने पहली बार धरती पर जीवों के विभिन्न प्रजातियों को जन्म देना शुरू किया। लेकिन इसी बीच धरती पर दूसरे आइस एज की शुरुआत हो गई, जिसमें एक बार फिर धरती पर जीवन चक्र धीमा पड़ गया और एक बार फिर धरती पूरी तरह बर्फ के चादर में ढक गई। पूरी धरती पर जहां देखो बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। जीवों का विस्तार भी काफी धीमा हो गया था। हालांकि आइस एज पृथ्वी के लिए अभिशाप की जगह वरदान साबित हुई, क्योंकि इस दौरान ही समुद्र के अंदर रहने वाले जीव खुद को धरती के वातावरण के अनुसार ढालना सीखने लगे। 2 करोड़ साल तक धरती पूरी तरह बर्फ से ढकी रही, पर इसके बाद एक बार फिर धरती के वायुमंडल में बदलाव आना शुरू हुआ और बर्फ से ढकी धरती अब फिर से जलाशयों में तब्दील होने लगी।
और इसी के साथ समुद्र में पलने वाले जीव भी दो भागों में बंटने लगे। एक जीव आगे चलकर पेड़ पौधों का रूप लेने वाले तो वहीं दूसरे जीव पानी में तैरने वाले। और जमीन पर रेंगने वाले जानवर बनने वाले थे। जल के अंदर मौजूद मल्टी सेलुलर जीवों में लगातार एवोल्यूशन हो रहा था और अगले 12 करोड़ साल तक पृथ्वी पर ऐसे ही धीरे धीरे जीवों का विकास होता रहा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पहली बार धरती पर आज के जैसे किसी जलीय जीव का विकास किया। दरअसल इतने करोड़ों साल के एवोल्यूशन के दौरान जीवों का विकास बाइलेटरल सिमेट्री के स्तर पर पहुंच चुका था, जहां अब उनके शरीर का विकास होना शुरू हो गया था, जिसके फलस्वरूप फाइनली धरती पर एक पूर्ण विकसित जीव का जन्म हुआ जो कि आज जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद अगले 3.5 करोड़ सालों तक समुद्र के अंदर अलग अलग प्रजातियों के जीवों का विकास होता रहा। वो धीरे धीरे समुद्र तल पर रेंगना सीखने लगे और उनमें अब रीढ़ की हड्डी का भी विकास होना शुरू हो गया था। और तो और धरती पर अब तक काफी सारे पेड़ पौधों का विकास हो चुका था, जो कि साइज में छोटे से लेकर विशाल आकार तक हुआ करते थे। इसके बाद धरती पर अगले 6 करोड़ सालों में जल में रहने वाले जीवों में फिर से एवोल्यूशन हुआ और धरती के ऊपर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से धरती पर समुद्र के बाहर भी जीवन संभव होने लगा। ऐसे में कई जीव जो कि अब रेंगने लगे थे और उनके पास रीढ़ की हड्डियां भी आ गई थी, वो पानी से बाहर आकर जमीन पर अपना समय बिताने लगे और इस वजह से उनमें काफी बदलाव देखने को मिला। दरअसल अब उनके हाथ पांव भी निकलने शुरू हो गए थे और वो जमीन पर सांस लेना भी सीख गए थे। दोस्तों इन्हीं जीव को आज हम एम्फीबियंस के नाम से जानते हैं। अभी तक धरती पर सब कुछ सही सलामत चल रहा था, सारे जीव जंतु पेड़ पौधे एक साथ विकसित हो रहे थे, पर तभी आज से तकरीबन 25 करोड़ साल पहले धरती पर एक बार फिर ज्वालामुखी विस्फोट शुरू हुआ, जिसने एक बार फिर धरती के पूरे वातावरण को कार्बन और मीथेन जैसे हानिकारक गैसों से भर दिया। पृथ्वी पर लंबे समय तक काले बादल छाए रहे, अम्लीय वर्षा हुई और इसने धरती के ऊपर और समुद्र के अंदर रहने वाले 80% से भी अधिक प्रजातियों का विनाश कर दिया। इस मास एक्सटिंक्शन को साइंटिस्ट्स के द्वारा द परमियन एक्सटिंक्शन का नाम दिया जाता है। ये मास एक्सटिंक्शन इतना ज्यादा विनाशकारी था कि मानो इसने धरती को फिर से कई करोड़ साल पीछे कर दिया हो। लेकिन ये पृथ्वी का सौभाग्य था कि अब तक इस पर रहने वाले कई प्रजातियां खुद को वातावरण के अनुसार ढालना सीख गई थी, और यही वजह है कि इस मास एक्सटिंक्शन के बाद भी पृथ्वी पर सारे जीवों का अंत नहीं हो पाया और समुद्र तथा जमीन के अंदर रहने वाले जीव खुद को इस मास एक्सटिंक्शन से दूर रख पाए। तो आने वाले 2 करोड़ सालों तक धरती आग में झुलसती रही, जिसके बाद एक बार फिर इस पे ज्वालामुखियों का विस्फोट कम हुआ और एक बार फिर यहाँ पर जीवन चक्र की शुरुआत हुई। जो जलीय जीव या जमीन पर रहने वाले जीव इस मास एक्सटिंक्शन से बच गए थे, वो विकसित होना शुरू हुए और आज से तकरीबन 23 करोड़ साल पहले धरती पर पहली बार डायनासोर्स का जन्म हुआ। हालांकि शुरुआती दौर में डायनासोर साइज में विशालकाय नहीं हुआ करते थे, फिर भी इनकी हाइट 3 फीट तक हुआ करती थी। पर मजे की बात तो ये थी कि ये डायनासोर्स बस जमीनी जीव के रूप में ही विकसित नहीं हुए थे, बल्कि इसके साथ साथ समुद्र में रहने वाले डायनासोर्स और हवा में उड़ने वाले डायनासोर्स का भी विकास हुआ। इस समय पर धरती पर मैमल्स का भी आगमन हो चुका था, लेकिन अभी वो डायनासोर से बच बचाकर ही जमीन के अंदर छुप कर रहते थे, और इसलिए हम कह सकते हैं कि इस वक्त पर धरती पर बस डायनासोर्स का ही राज हुआ करता था, क्योंकि इस समय पर उनसे ज्यादा कोई विकसित प्रजाति धरती पर मौजूद नहीं थी, और इसलिए डायनासोर्स ने आने वाले तकरीबन 16 करोड़ साल तक धरती पर राज किया। जी हाँ, 16 करोड़ साल तक हमारी धरती डायनासोर्स का बसेरा हुआ करती थी। वैसे आप सबने मूवीज में कई बार डायनासोर्स के बारे में सुना और देखा तो जरूर होगा। आपने ये भी सुना होगा कि वो सभी बेहद खतरनाक थे, पर वास्तव में सभी डायनासोर्स एक जैसे नहीं हुआ करते थे। उनमें से कई डायनासोर शाकाहारी हुआ करते थे, जो कि बस पेड़ पौधे खाते थे। आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले
धरती पर आज के जैसे ही एक सुबह हुई थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। उस समय पर पाए जाने वाले विशाल डायनासोर्स रोज की तरह ही अपने शिकार की तलाश में बाहर निकले थे। कुछ को अपना शिकार आसानी से मिल गया था, तो वहीं कुछ डायनासोर्स अभी भी अपने शिकार की तलाश में दर बदर भटक रहे थे। तभी उन्हें आसमान में कुछ अजीब सा होता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि नीले आसमान से कोई बेहद चमकीली चीज उनकी तरफ काफी तेजी से आ रही है। शुरुआत में तो काफी छोटा नजर आ रहा था, पर जैसे जैसे ही उनके पास आते जा रहा था, उसका आकार और विशाल होता जा रहा था और विशाल होता जा रहा था। और एक पल ऐसा आता है जब ये सूरज की रोशनी को भी पृथ्वी पर आने से पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। पृथ्वी पर दिन के समय ही अंधेरा छा जाता है, और फिर देखते ही देखते ये आग का गोला धरती से आकर टकरा जाता है। इस एक्सप्लोजन के बाद भी डायनासोर्स को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। वो बस अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना डायनासोर्स ने भी नहीं की होती। पर डायनासोर इस धरती पर आए और उन्होंने तकरीबन 16 करोड़ साल तक पूरी धरती पर अपना शासन भी किया। लेकिन फिर आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले एक 10 से 80 किलोमीटर डायमीटर वाला एस्ट्रॉइड धरती के तरफ काफी स्पीड से बढ़ने लगा, और जैसे ही यह धरती के वायुमंडल में पहुंचा, घर्षण की वजह से इसमें आग लग गई। और देखते ही देखते ये आग का विशाल सा गोला धरती की सतह से आकर टकरा गया। अब ये टकराव इतना ज्यादा भयानक था कि कुछ ही देर में वो पूरा इलाका धूल के बादलों से ढक जाता है। इस कोलिशन से हुए धमाके से धरती पर मौजूद 50% डायनासोर्स उसी वक्त मर जाते हैं। पर ये तो बस शुरुआत होती है। इस कोलिशन के मात्र 30 मिनट के अंदर ही अंदर पृथ्वी का पूरा वातावरण बदलने लगता है। समुद्र में सुनामी का आना शुरू हो जाता है। 100-100 फीट ऊंची लहरें धरती को अपने आगोश में लेने लगती हैं। बचे हुए डायनासोर्स में से कई डायनासोर्स डायरेक्ट इसी सुनामी का शिकार बन जाते हैं। आप अगर इस सीन को इमेजिन करेंगे तो आपको लगेगा मानो कुछ देर पहले ही धरती पर किसी ने एटम बॉम्ब गिरा दिया। ऐसी तबाही मची हुई थी धरती पर। तो अगले कुछ घंटों तक पृथ्वी पर धूल भरी आंधी और सुनामी का सिलसिला चलता रहा, जिसके बाद पृथ्वी का वातावरण काफी तेजी से बदलने लगा। कोलिशन से पहले जो पृथ्वी 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हुआ करती थी, अब उसका तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे डायनासोर्स की बची कुची प्रजाति भी इस हीट से मरने लगी। उधर आसमान में भी बस अब धूल के बादल नजर आ रहे थे, जिस वजह से धरती पर सूर्य की रोशनी आनी भी बंद हो गई थी, और इस वजह से धरती पर मौजूद पेड़ पौधे भी धीरे धीरे मरने लगे। देखते ही देखते कुछ ही सालों में पृथ्वी हरी भरी से एक बंजर भूमि में तब्दील हो गई, जहां ना पेड़ पौधे थे और ना बड़े बड़े डायनासोर्स। वैसे अभी भी कुछ कार्निवोरस डायनासोर्स इस धरती पर मौजूद थे, जो कि अन्य डायनासोर्स के मृत शरीर पर पल के खुद को जीवित रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चूंकि पृथ्वी पर वातावरण अब रहने के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं बचा था, तो फिर वो बेचारे भी कब तक खुद को जिंदा रख पाते। कुछ सालों में उनका भी धरती पर से सफाया हो गया, और इस प्रकार इस ग्रेट कोलिशन के 2 साल के अंदर ही समूचे धरती से डायनासोर्स की प्रजाति विलुप्त हो गई। पर ये एक्सटिंक्शन सिर्फ डायनासोर्स का ही नहीं हुआ था, बल्कि इस धरती पर उस समय रहने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे की 75% आबादी विलुप्त हो चुकी थी। पर दोस्तों, अभी भी धरती पर कुछ जीव जीवित थे। हम बात कर रहे हैं धरती के अंदर रहने वाले मैमल्स की, जो कि इस ग्रेट कोलिशन से खुद को बचाने में कामयाब हो पाए थे। और धरती पर डायनासोर्स के अंत के बाद अब धरती पर राज करने की बारी इन्हीं की थी। इस कोलिशन के कई साल बाद एक बार फिर धरती के वातावरण में बदलाव आना शुरू हुआ, और इससे धरती पर पहली बार मनुष्यों के जन्म का रास्ता साफ हो गया। 200 डायनासोर्स के अंत के बाद के युग को सेनोजोइक युग कहा जाता है, जो कि मुख्यतः 3 टाइम पीरियड्स में बटे हुए हैं, पैलियोजीन, नियोजीन और एंथ्रोपोजीन। और इन सारे पीरियड्स में से सबसे लंबा कोई पीरियड माना जाता है तो वो है 4.3 करोड़ सालों तक चलने वाला पैलियोजीन पीरियड। आइए एक एक करके इन पीरियड्स के बारे में एक्सप्लोर करें। पैलियोजीन पीरियड, दरअसल डायनासोर एक्सटिंक्शन के बाद हमारी धरती पर मौजूद प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइवर्सिटी को भारी नुकसान पहुंचा था। जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में भी बताया, इस समय धरती पर मौजूद जीवों में से 75% जीव पूरी तरह विलुप्त हो चुके थे, और अब धरती को एक नई शुरुआत की जरूरत थी, जो कि उन्हें यहां जमीन के अंदर बचे कुचे छोटे छोटे मैमल्स ने दिलाया।
अब चूंकि उन्हें डायनासोर जैसे विशाल जानवर से खतरा खत्म हो चुका था, इसलिए अब वो सभी अपने पेलों से बाहर आने लगे और इस खुली हवा में सांस लेने लगे थे। इधर अब धरती पर पेड़ पौधों का उगना भी शुरू हो चुका था और धीरे धीरे हमारी धरती फिर से घने जंगलों से भरने लगी थी, जिस वजह से अब मैमल्स को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। वो आराम से जंगल में घूम रहे थे और खाने का आनंद ले रहे थे। ना उन्हें डायनासोर्स का डर था और ना ही किसी अन्य शिकारी जानवर का। इस सुरक्षित वातावरण के होने की वजह से धीरे धीरे मैमल्स की संख्या में काफी बढ़ोतरी होने लगी और वो छोटे छोटे रेंगने वाले जीव से बड़े जीव में परिवर्तित होने लगे। इस समय पर कुछ मशहूर जानवर की प्रजाति में मायसिट थे, जो कि आज के ज्यादातर शिकारी जानवर के पूर्वज माने जाते हैं, और आर्कियोसिट्स थे, जिन्हें आज की वेल्स का पूर्वज माना जाता है। हालांकि ये वेल्स उस समय पर जमीन पर रेंगने वाले चार पैरों वाले जानवर हुआ करते थे। दोस्तों, इसी समय पर गोंडवाना कॉन्टिनेंट से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग होकर एशिया कॉन्टिनेंट से जाकर टकरा गई थी, जिससे हिमालय पर्वत श्रृंखला के साथ साथ आज के भारत देश का निर्माण हुआ था। अब तक धरती पर मौजूद काफी सारे जीव अपने अभी के स्वरूप में आ चुके थे, यानी कि वो अभी की तरह दिखने लगे थे, लेकिन अभी भी कई जीवों में एवोल्यूशन की प्रक्रिया जारी थी, जैसे कि एंड्रियोसॉचस में, जो कि उस समय पर धरती पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा प्रीडेटर यानी कि शिकारी जानवर था। रिसर्चर्स की माने तो यह जीव के स्कल 84 सेंटीमीटर का हुआ करता था, जो कि आज के एक भालू के स्कल से साइज में काफी बड़ा है। ये तकरीबन 4 मीटर लंबे और 900 किलोग्राम वजन वाले खूंखार शिकारी हुआ करते थे। हालांकि अभी तक धरती पर हाथी जितने विशाल जानवर की उत्पत्ति नहीं हुई थी, क्योंकि अभी भी धरती पर बदलाव का दौर चालू था। आज से तकरीबन 3.5 करोड़ साल पहले धरती के सदर्न पोल पर एंटार्क्टिका के बनने की शुरुआत हुई थी और इसी के कुछ समय बाद एल्प्स पर्वत का भी निर्माण हुआ था। इन दोनों के निर्माण के बाद ही धरती पर एक आज के हाथी से विशाल जानवर का आगमन हुआ था, जिसे हम पैरासिटेरियम के नाम से जानते हैं। दरअसल ये जानवर आज के हाथी की तरह ही दिखते थे, हालांकि इनके पास हाथी के जैसे सूंड नहीं हुआ करती थी। इसके बजाय उनकी गर्दन जिराफ के जैसी काफी ऊंची हुआ करती थी और इसलिए ये हाइट में तो 4.8 मीटर के होते थे, पर अगर इसकी गर्दन की हाइट भी इसमें ऐड कर दी जाए तो ये 7 से 8 मीटर ऊंचे जानवर हुआ करते थे। लेकिन समय के पहिए में ये भी खुद को ढाल नहीं पाए और नियोजीन पीरियड आते आते इस धरती से विलुप्त हो गए। नियोजीन पीरियड, दोस्तों, इसकी शुरुआत आज से तकरीबन 2.3 करोड़ साल पहले हुई थी और इस दौरान धरती लगभग आज की शेप में आ चुकी थी और इस पर जानवरों के मैक्सिमम प्रजातियों का आगमन भी हो चुका था। इसी समय पर समुद्र के अंदर वेल की एक सबसे विशाल प्रजाति भी अपना हुकूम चला रही थी, जिसके बारे में हमें इसके मिले फॉसिल्स से पता चलता है। दरअसल नियोजीन पीरियड में मेगालोडॉन नाम की एक शार्क मछली पाई जाती थी, जो कि साइज में 15 से 18 मीटर तक लंबी थी, यानी कि अगर आप इसकी तुलना आज की शार्क से करेंगे तो इस साइज में उनसे 3 से 4 गुना ज्यादा बड़ी थी। इनका वजन भी एक नॉर्मल शार्क से काफी ज्यादा 50,000 किलोग्राम के आसपास हुआ करता था, पर आगे जाकर ये भी धरती से धीरे धीरे विलुप्त होती गई। अभी पिछले साल क्रिसमस को ही एक 9 साल की बच्ची मॉली सैमसन को कैलवर्ट बीच पर इस शार्क का दांत हाथ लगा था, जो कि साइज में उसकी हथेली से भी बड़ा था। दोस्तों, इस विशाल काय वेल के वक्त पे ही धरती के ऊपर गोम्फोथेरन नामक विशाल हाथी की प्रजाति का भी जन्म हो चुका था, जो कि आज के हाथी से हाइट में भी लंबे होते थे और उनके पास 2 के बजाय 4-4 दांत हुआ करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तक हमने किसी इंसानी प्रजाति के विकसित होने का नाम क्यों नहीं लिया, आखिर उनके पूर्वज इस धरती पर कब जन्मे थे? तो दोस्तों, इसकी शुरुआत एंथ्रोपोजीन पीरियड में हुई थी, जिसमें अलग अलग प्रकार के बंदर की प्रजातियों का धरती पर आगमन हुआ था और धीरे धीरे ये मानव में एवोल्यूट हुए थे। धरती पर कोई जीव सबसे अंत में आया था तो वो थे इंसान। और आज विडंबना देखिए, सबसे अंतिम में धरती पर आने वाले यही इंसान धरती पर मौजूद लगभग सारे जीव जंतु पर अपना शासन चला रहे हैं।
धरती के निर्माण के बाद ही इस पर जीवों का आना जाना लगा रहा, लेकिन इंसान को इससे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा। यहां तक कि कई प्रजातियां जो धरती पर इंसान के बाद आई थी वो विलुप्त तो होने के कगार पर हैं। लेकिन इंसान अभी भी दिन दोगुनी और चौगुनी वृद्धि कर रहे हैं। आज इंसानों ने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण कर लिया है कि अगर कहीं जुरासिक पीरियड का डायनासोर भी वापस धरती पर आ जाए तो वो इसे भी अपना गुलाम बना ले। पर दोस्तों, जब पहली बार इस धरती पर किसी इंसान की उत्पत्ति हुई थी तब ऐसा नहीं था। तब ना ही इंसान के पास इतना दिमाग था, ना ही इतने सारे हथियार थे, और ना ही खाने पहनने और रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान था। उनकी उत्पत्ति बंदरों के पूर्वज से हुई थी। दोस्तों, आज से 6.5 करोड़ साल पहले जब धरती से एक विशाल उल्का पिंड टकराया तो इसने डायनासोर की सारी प्रजातियों का अंत कर दिया था। यहाँ तक कि इस तबाही में धरती पर मौजूद 75% फ्लोरा और फौना दोनों का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। लेकिन ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी चीज ने धरती पर मनुष्य के आगमन का रास्ता भी साफ कर दिया, क्योंकि अगर इंसान इस डायनासोर की एज में उत्पन्न हुए होते तो फिर डायनासोर्स जैसे विशाल और खतरनाक जानवर के साथ इस धरती को शेयर करना इंसान के लिए काफी परेशानी का सबब बनता। और तो और, इस उल्का पिंड के टकराने की वजह से डायनासोर के जैसे ही मनुष्यों की भी प्रजाति उसी समय समाप्त हो जाती। लेकिन डायनासोर के अंत के बाद मनुष्य के आगमन की वजह से उन्हें इतना एवोल्यूट और इतना विकसित होने का मौका मिल पाया। वैसे अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि धरती पर पहला इंसान कौन जन्मा था, तो मेरे दोस्त, ऐसा कोई आदमी था ही नहीं। धरती पर इंसान डायरेक्ट आसमान से नहीं टपके थे, और न ही धरती पर बस एक इंसान से बाकी इंसान का जन्म हुआ था, बल्कि इसके बजाय धरती पर पहले से मौजूद मैमल्स ही एवोल्यूशन के पश्चात ह्यूमंस बने थे। आइए मैं आपको इसे थोड़ा डिटेल में बताता हूं। डायनासोर के जाने के बाद जब मैमल्स का इस धरती पर राज शुरू हुआ तब उनमें अगले 1 करोड़ साल में काफी एवोल्यूशन देखने को मिला। उनकी संख्या में भी वृद्धि हुई और उनका साइज भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। इन्हीं मैमल्स की प्रजातियों में एक प्रजाति का नाम प्राइमेट्स था, जो कि असल में आज के बंदरों से थोड़े थोड़े मिलते जुलते थे। ये आज के बंदरों की तरह ही पेड़ों पर रहा करते थे, और इन्हीं को ह्यूमंस का असल पूर्वज माना जाता है। इनके धरती पर अस्तित्व में आने के बाद धीरे धीरे इनमें बदलाव होना शुरू हुआ। जैसे कि पहले तो ये 2 प्रजाति में बट गए, जिसमें एक प्रजाति का नाम स्टेप्सर हाइंस था तो दूसरे का नाम हैप्लोराइंस था। स्टेप्सर हाइंस के अंदर सूंघने की शक्ति विकसित हो चुकी थी, और वहीं हैप्लोराइंस अच्छी तरह देख पाता था। यानी कि ये 2 प्रजाति आज के इंसानों के 2 मुख्य एट्रीब्यूट्स दर्शाने लगे थे, पहला सूंघना और दूसरा देखना। इसके बाद आज से तकरीबन 2 करोड़ साल पहले एवोल्यूशन की वजह से धरती पर पहले एप्स प्रोकंसल अस्तित्व में आए। ये प्राइमेट से साइज में बड़े हुआ करते थे और उनके पास पूंछ नहीं हुआ करती थी। हाँ, पर इनमें मनुष्य के जैसे फीचर्स धीरे धीरे विकसित होने लगे थे। इस समय धरती का वातावरण भी इन जानवरों के लिए बेहद अनुकूल था, और इसलिए एवोल्यूशन की प्रक्रिया काफी तेजी से हो रही थी। एप्स के अस्तित्व में आने के बाद एवोल्यूशन की वजह से धरती पर गिबन्स और गोरिल्लास जैसे जीव भी प्रकट होने लगे, और आज से तकरीबन 70 लाख साल पहले फाइनली इन प्रजाति का एवोल्यूशन चिंपांजीज के रूप में हुआ, जिसे आज हम इंसान का क्लोजेस्ट एंसेस्टर भी मानते हैं। इसके बाद आर्डिपिथेकस नाम के जीव धरती पर अस्तित्व में आए। ये वो पहले ह्यूमन एंसेस्टर्स थे जो कि पेड़ों के साथ साथ जमीन पर धीरे धीरे चलना भी सीख चुके थे, और इनके दिमाग का साइज भी एप्स जितना बड़ा था। आगे चलकर इन जानवरों का एवोल्यूशन ऑस्ट्रेलोपिथेकस में हुआ, और उनके पैर अब आज के मनुष्य के जैसे सीधे हो चुके थे, जिससे उन्हें चलने में आसानी होने लगी, और ये पत्थरों का इस्तेमाल से अपना शिकार करना भी सीखने लगे थे। और इसलिए धीरे धीरे अब एक पूर्ण मनुष्य के अस्तित्व में आने का समय नजदीक आने लगा था। ऑस्ट्रेलोपाइथेकस के अस्तित्व में आने के बाद इनका एवोल्यूशन 2 ग्रुप्स में हुआ। एक ग्रुप ऐसा था जिसके दिमाग का साइज बड़ा था, तो दूसरा ग्रुप ऐसा था जिसका जबड़े का साइज बड़ा था। पर आगे चलकर बड़े दिमाग वाले प्रजाति ही ह्यूमन में इवॉल्व हो पाए।
दरअसल बड़े दिमाग वाले ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही आगे इवॉल्व होकर होमोजीनियस प्रजाति बने, जो कि अब एक असल इंसान की तरह दिखने लगे थे। धीरे धीरे इनमें भी एवोल्यूशन होना शुरू हुआ और आज से तकरीबन 19 लाख साल पहले होमो इरेक्टस अस्तित्व में आए। ये प्रजाति अब शिकार करना, जंगलों में रहना और हथियार बनाना भी सीख चुके थे। इसके साथ साथ इनके दिमाग का आकार भी काफी बड़ा था। इसके बाद आज से तकरीबन 3 लाख साल पहले धरती पर होमो सेपियंस अस्तित्व में आए। वही होमो सेपियंस हम आज जिसके वंशज भी हैं। होमो सेपियंस अभी तक सारे एवोल्यूट हुए प्रजाति से बुद्धिमान थे और उनका दिमाग भी काफी शार्प चलता था। ये काफी क्रिएटिव और इनोवेटिव टाइप के इंसान थे। वैसे होमो सेपियंस के जैसे ही एक और प्रजाति धरती पर इनसे पहले यहाँ अस्तित्व में आई थी, नियांडरथल्स, जिसे आज हम इंसान की दूसरी प्रजाति भी मानते हैं। अब जो कि नियांडरथल्स होमो सेपियंस जैसे इंटेलिजेंट और क्लेवर नहीं हुआ करते थे, इसलिए आगे चलकर उनका पूरा अस्तित्व इस धरती से खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ होमो सेपियंस शार्प माइंडेड होने की वजह से अपने रास्ते में आने वाले सारी परेशानियों पर जीत हासिल करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थर के औजार बनाना सीखा, आग के इस्तेमाल से भोजन बनाना सीखा और धीरे धीरे एक साथ एक समाज में रहना भी वो प्रेफर करने लगे। उन्होंने अपनी सभ्यता विकसित की, धरती पर मौजूद रिसोर्सेस के इस्तेमाल से खुद स्ट्रॉन्ग बनना सीखा और कई सारे टेक्नोलॉजीज का भी विकास किया, जिसे आज हम एंशिएंट टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार करोड़ों साल का सफर पूरा करने के बाद फाइनली प्राइमेट से ह्यूमन का एवोल्यूशन हो पाया और इन्होंने पूरी धरती पर अपना राज चलाना शुरू किया 2075 में, जहां ह्यूमंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इन्होंने डायनासोर्स को पुनः जीवित कर लिया है। आज से मात्र कुछ साल पहले ही साइंटिस्ट्स को दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर्स का डीएनए मिला था, जिसकी मदद से उन्होंने एक बार फिर इसे जीवित कर लिया था। शुरुआती दौर में साइंटिस्ट्स ने इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए शहर और गांव से काफी दूर किसी रिमोट लोकेशन पर बंद करके रखा था, पर अब ये वहां से एस्केप करके शहर के सड़कों पर आ चुके हैं। एक तरफ लोग इन्हें देख आश्चर्यचकित भी हैं, तो दूसरी तरफ इन्हें इतने विशालकाय जीव के हमले का डर भी सता रहा है। हालांकि अभी डायनासोर्स उतने अग्रेसिव नजर नहीं आ रहे हैं। वो देखिए कैसे ब्रैचियोसॉरसिस का झुंड अपनी लंबी लंबी गर्दन से पेड़ों के टहनियों से पत्ते खा रहे हैं। वाकई में इतने विशालकाय जीव को सामने से देखना एक अद्भुत अनुभव है। वैसे आपको बता दें, ब्रैचियोसॉरस एक शाकाहारी डायनासोर होते हैं, तो हम इंसान को इनसे खतरा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पर हमें इनके इस विशालकाय शरीर से दूर ही रहना होगा। वैसे आपको बता दें, अभी 2075 में इन डायनासोर्स को रिवाइव करने से पहले साइंटिस्ट ने इनके रहने का भी पूरा इंतजाम करके रखा है। उन्होंने जुरासिक पीरियड जैसे ही धरती पर बड़े बड़े लैंडस्केप्स, बड़े बड़े मैदान और ऊंचे ऊंचे पेड़ उगाए हैं, ताकि ये डायनासोर्स वहां मौजूद इकोसिस्टम में खुद को ढाल सकें। वैसे ये जमीन कांप क्यों रही है? कहीं धरती पर भूकंप तो नहीं आ रहा है? अरे नहीं, वो देखिए, ये तो धरती पर मौजूद अब तक के सबसे विशाल डायनासोर अर्जेंटिनोसॉरस है, जिनका वजन 70,000 किलोग्राम से 1,00,000 किलोग्राम तक होता है। उनके ऐसी भारी भरकम शरीर की वजह से जब वो चलते हैं तो पृथ्वी थर्रा उठती है। हाँ, पर यहाँ भी हमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये भी शाकाहारी डायनासोर्स ही होते हैं। बस हमें डर इस बात का है कि कहीं यहाँ कोई विशाल सा टीरेक्स ना मौजूद, क्योंकि अभी तक जिन डायनासोर से हमारी मुलाकात हुई है उनमें से एक भी डायनासोर मांसाहारी नहीं थे, और इसलिए हम और यहाँ भविष्य के लोग भी इनसे डरने के बजाय इनके साथ एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अगर कोई टायरानोसॉरस रेक्स यहाँ आ जाता है तो लोग बाहर रहने के बजाय अपने घर में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि वो एक डायनासोर का लंच बन जाए। अरे, ये शेर कैसे? लो, नाम लियो और शैतान हासिल। इससे पहले कि हम यहाँ से अपनी जान बचा के भागे, हम आपको बता दें, इन्हीं डायनासोर को हम टीरेक्स कहते हैं। ये मांसाहारी डायनासोर की कैटेगरी में सबसे बड़े डायनासोर माने जाते हैं। याद से करोड़ों साल पहले लेट क्रिटेशियस पीरियड के समय पर धरती पर रहा करते थे और इनकी ऊंचाई 40 से 43 फीट हुआ करती थी। पर इससे पहले कि ये हमें अपना शिकार बनाए, हमें कहीं छुपना होगा। वैसे आपको बता दें, अर्जेंटिनोसॉरस और टीरेक्स की ये पहली मुलाकात होगी, क्योंकि दोनों ही जानवर लेट क्रिटेशियस पीरियड में पाए जाते थे।
लेकिन टीरेक्स आज से 68 से 66 मिलियन साल पहले धरती पर पाए जाते थे, तो अर्जेंटिनोसॉरस आज से 90 से 100 मिलियन साल पहले इस धरती पर राज किया करते थे। दोस्तों, इन दोनों डायनासोर्स की मुलाकात अच्छी नहीं हुई और टीरेक्स इतने विशाल काय डायनासोर को अपना शिकार बनाने की कोशिश में लग गया है, क्योंकि टीरेक्स का ऐसा स्वभाव ही है, ये किसी भी जानवर को अपना शिकार बनाने में नहीं चूकते हैं। इनके बड़े बड़े और शक्तिशाली जबड़े और नुकीले दांत अच्छे अच्छे जीवों को कुछ ही सेकंड्स में मारने की क्षमता रखते हैं। और इससे पहले कि ये टीरेक्स इस अर्जेंटिनोसॉरस को मार दे और यहाँ मौजूद इंसानों की तरफ बढ़े, मुझे यहाँ से वापस अपने युग में जाना होगा। दोस्तों, पृथ्वी के जन्म का सबसे बड़ा कारण ही पृथ्वी के अंत का भी कारण बनेगा। हम हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे विशाल तारे सूरज की बात कर रहे हैं। नासा के मुताबिक सन धीरे धीरे अपना साइज एक्सपैंड कर रहा है, यानी कि सन धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और आने वाले 5 बिलियन सालों में ये इतना बड़ा हो जाएगा कि एक एक करके मरकरी, वीनस, अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट्स या तो इसमें समा जाएंगे या फिर इसके ग्रेविटी की वजह से इससे जाकर टकरा जाएंगे। यानी कि भले ही आज सूरज की वजह से धरती का फ्यूचर ब्राइट नजर आता है, लेकिन यही सूरज भविष्य में धरती को काले अंधेरे में भी ढकेल देगा। आइए हम आपको इस बारे में विस्तार से बताएं। दोस्तों, हमारे सन का निर्माण आज से तकरीबन 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था और तब से आज तक इसके साइज में 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और आने वाले 7.6 बिलियन सालों में ये अपने मैक्सिमम साइज तक पहुंच के एक रेड जायंट स्टार में तब्दील हो जाएगा, जिससे इसके अंदर मौजूद गर्मी तो बढ़ेगी, साथ ही साथ इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी काफी बढ़ जाएगा।